और मेरे चटोरों कैसे हुआ। रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 3 पीस, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हो। मैंने भी रेगुलर लोकल वैरायटी ली है, ये कोई पहाड़ी आलू नहीं है, बस थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। इनको मैं तैयार कर लेता हूँ, पहले हम लोग इनको छीलेंगे। आप चाहो तो बिना छीले भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको छीलने के बाद हम लोग लंबा लंबा कट कर लेंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक चॉपिंग बोर्ड लिया है और मैं ये लंबे चाकू से इसको कट कर रहा हूँ। आपको जैसी हैबिट हो आप वैसे कट कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। पहले मैंने कोने का हल्का सा हिस्सा निकाला, फिर मैंने इसके 1-1 सेंटीमीटर दूरी में इसके कट्स बना लिए। जब ये स्लाइसेस बन जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको इसको लंबा लंबा कट करना है, जैसे फ्रेंच फ्राई होती है बिल्कुल वैसे ही। तो मेरे को हल्की सी पतली वाली फ्रेंच फ्राई पसंद है, तो मैंने पतला पतला कट किया है, आप रेगुलर वाले भी कट कर सकते हो। ये कच्चे आलू है दोस्तों, हम लोगों को कच्चे आलू से ही बनानी है फ्रेंच फ्राई। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के 2 आलू भी कट कर लूँगा। तो हम लोग के जो आलू है वो बिल्कुल तैयार है दोस्तों, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि ये आलू में बहुत मांड है। जैसे मैंने कहा था कि ये है ना लोकल वैरायटी है, ये पहाड़ी नहीं है, तो ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होंगे तलने से, लेकिन इसमें मांड बहुत है। आप देख सकते हो वाइट वाइट, इसमें ये जो स्टार्च निकल रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से कोटिंग नहीं चिपकेगी। तो उसको हटाने के लिए मैंने ये पतीले में आलू डाल ही लिया है। इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 लीटर पानी डाल देता हूँ और पानी से हम लोग इसको एक बार वॉश कर लेंगे। तो रेगुलर पानी है, ज़रूरी नहीं है आपको इसमें ठंडा या फिर गर्म इस्तेमाल करने की, जैसा आपको रेगुलर टेम्परेचर होता है वैसा ही यूज़ करना है। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको हाथ से मिक्स कर करके वॉश कर रहा हूँ, एकदम झाग वाला हो चुका है पानी। ये पानी को मैं एक बार आपको कंपैरिजन में दिखाता हूँ, देखिए रेगुलर पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है और ये वाला कितना धुंधला है। तो हम लोग का आलू तैयार है, इसको फिर से मैं फ्रेश पानी में एक बार सोक कर देता हूँ 5 मिनट के लिए। जब तक ये है ना सोकिंग कर रहा है 5 मिनट, हम लोग को कुछ और स्टेप भी करना है, तो उसकी तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, मिक्सी के जार में हम लोग चावल डाल लेंगे दोस्तों, रेगुलर वाले घर वाले चावल है, क्वांटिटी ज़्यादा है ताकि अपनी जो मिक्सी है वो आसानी से इसको पीस पाए। अगर आपके पास बाजार का चावल का आटा पड़ा हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसमें 1 कप चावल डाला है, इसको मैं मिक्सी में चला लेता हूँ और इसका एक पाउडर बना लेता हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना है दोस्तों, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। ये जो चावल का आटा है ना, इसी की वजह से अपनी फ्रेंच फ्राई कुरकुरी बनेगी, क्योंकि ये जो दाने हैं ना छोटे छोटे मेरे हाथ में जो आपको दिख रहे हैं, ये आलू में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये तैयार है दोस्तों, अब हम लोग आगे का स्टेप करते हैं। तो ये जो चावल का आटा है ना, हम लोग को 1 क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, बहुत कम है, 4 चम्मच के आसपास, या फिर आप एक छोटी कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा मत लीजिएगा, वेस्टेज होगा दोस्तों, क्योंकि अपने को जो बैटर लगाना है ना वो बहुत पतला लगाना है, तो ज़्यादा नहीं लगेगा। ये मैंने 1/4 कप इस्तेमाल किया है, जो कि होता है 4 टेबल स्पून। सेम क्वांटिटी में आपको मैदा भी इस्तेमाल करना है और उतना ही आपको कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल करना है। कॉर्न स्टार्च का नाम कॉर्न फ्लावर भी है और उसका एक वैरायटी अरारोट भी रहता है, जो अरारोट प्लांट से बनता है, लेकिन आप अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितना चावल उतना मैदा उतना ही कॉर्न स्टार्च। टेस्ट के लिए नमक भी मैंने डाला है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें पानी डालकर इसका एक बैटर बनाना है। तो शुरू में आप गाढ़ा बैटर बना लीजिएगा, लेकिन बाद में हम लोग को इसका बहुत पतला बैटर बनाना है। तो मैंने इसका एक बिना लंप वाला बिना गुठलियों वाला बैटर बनाया है, इसको अभी हम लोग 5 मिनट के लिए आराम करने देंगे। इससे क्या होगा, अपना जो चावल है ना वो पानी पी लेगा। आप देख सकते हो पानी इसमें एब्जॉर्ब होने लग चुका है, बैटर हल्का सा और गाढ़ा हो चुका है 5 मिनट बाद। अभी मैं इसमें और पानी डालकर इसका एक पतला बैटर बना लूँगा। आप देखिएगा पानी जैसा बैटर होना चाहिए, अगर गाढ़ा बैटर रहेगा तो सबको लगेगा कि हाँ भाई पकोड़े खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राई नहीं खा रहे हैं, वैसे लगना भी नहीं चाहिए और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो मैंने चम्मच से तो मिक्स कर ही लिया था पानी डालकर, अपने हाथ से लास्ट वाला मिक्सिंग कर रहा हूँ, हाथ से बेटर आइडिया मिल जाता है। आप देख सकते हो बहुत पतला बैटर है। इसमें अब हम लोग अपना आलू डाल लेंगे, कम से कम पानी के साथ डालिएगा आलू को, अच्छी तरह इसे झिड़का लीजिए, उसके बाद आप इसमें अपना आलू डाल दीजिएगा। आलू में पतली कोटिंग रहनी चाहिए, जो चावल का आटा है ना, चावल का जो पाउडर है
वो पकड़ कर रखेगा बैटर को, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी जैसा बैटर है वो अपने आप गिर जाएगा। तो आप देख सकते हो कोटिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसमें, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इससे पतली भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग इसको पकाते हैं दोस्तों। तो पकाने के लिए इसको आपको फ्राई ही करना पड़ेगा, शुरू वाला स्टेज तो फ्राई करना पड़ेगा, बाद में आप इसकी बेकिंग कर सकते हो। तो तेल मैंने गरम करने रखा है, तेल ज़्यादा गरम नहीं है लेकिन तेल की जो आँच है ना वो हाई पर है। इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लगेगी दोस्तों, क्योंकि आलू के साथ साथ बाहर जो कोटिंग है ना वो भी कच्ची है। तो आप 1, 2, 3 करके इसमें आलू डाल दीजिए और फिर इसको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। आप देख सकते हो तेल में ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा है, बुलबुले नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, बस आँच ज़्यादा गर्म है। तो इसको अभी हम लोग फ्राई करेंगे जब तक ये अंदर से भी पक जाए। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको जितना आलू इसमें डालना है आप डाल सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू शुरू में ये एक साथ ऐसे नीचे डूबे हुए रहेंगे, बाद में जब ये पक जाते हैं ना तो ऊपर अपने आप आ जाएंगे, उसी के साथ में अलग अलग भी हो जाएंगे। तो शुरू में चिपके हुए भी रहेंगे, लास्ट में जब 80% कुकिंग हो जाती है तब ये अलग अलग होने लग जाएंगे और ये कुरकुरे बिल्कुल नहीं होंगे शुरू में। 95% कुकिंग होने के बाद, मतलब 95% कुकिंग होने के बाद ये कुरकुरे होने स्टार्ट होंगे। तो आप चिंता मत करिएगा, टाइम लगेगी लेकिन रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पकते रहेगा। आप चाहो तो किचन का दूसरा काम भी कर सकते हो जब तक ये पक रहा है। ये देखिए दोस्तों, लाइट गोल्डन होने लग चुके हैं। और एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये नीचे डूबे हुए थे और अभी ये ऊपर तैर रहे हैं। तो इन्होंने तैरना पूरा सीख लिया और ये पक चुके हैं बाहर बाहर से भी और अंदर से भी, लेकिन ज़्यादा कुरकुरे नहीं है। सर्विंग से पहले हम लोग इसको एक और बार फ्राई करेंगे, जिसके वजह से बढ़िया रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो ये फर्स्ट फ्राइंग हो चुकी है, अपने फ्रेंच फ्राई तैयार है। आप चाहो तो ऐसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन एक बार और फ्राई करेंगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो मेरे पास बाकी के बचे हुए जो आलू है मैं उनको फ्राई कर लेता हूँ, 10-12 मिनट उनको भी लगेगी, तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कैसे मैं इसमें आराम से ऊपर तक फिल कर रहा हूँ आलू को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आराम से अंदर तक 10-12 मिनट में पक जाएंगे। एक टिप आपको देता हूँ दोस्तों, ये जो आलू है ना, आप फर्स्ट फ्राइंग कर 4 से 5 घंटे तक इसको रख सकते हो। तो अगर आपको पार्टी से पहले तैयार करके रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना है, सपोज़ आपको 3-4 दिन पहले से इसको तैयार करके रखना है फर्स्ट फ्राइंग का प्रोसेस, तो आप इसको एक बार फ्राई करके बिल्कुल ऐसे फ्रीज़र में रख सकते हो, जहाँ पर आप आइस जमाते हो ना वहाँ पर आप 7 दिन तक फ्रीज़र में रख सकते हो। बस सर्विंग से पहले इसको तेल में डालिएगा, 3 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया, हम लोग का फर्स्ट फ्राइंग तैयार है और ये बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। अभी इसको एकदम सुनहरा कलर में लेकर आएंगे दोस्तों। उसके लिए तेल को अच्छी तरह गर्म करिए, जब तेल बढ़िया तरीके से गर्म हो जाता है तब आप ये आलू को ध्यान से इसमें डाल दीजिए और फिर अपना जो फ्रेंच फ्राई है वो तैयार हो जाएगा। लास्ट वाला प्रोसेस आपको ध्यान से करना है दोस्तों, क्योंकि अपना जो ये तेल है ज़्यादा गर्म होता है। ये वाला जो सुनहरा कलर है दोस्तों, बाज़ार की फ्रेंच फ्राई में भी नहीं होता है और घर वाली फ्रेंच फ्राई में भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनकोटेड फ्रेंच फ्राई को ये कलर में लाना मुश्किल है, क्योंकि चीनी की वजह से ये कलर आता है। अभी तो बढ़िया कलर आया है दोस्तों, इसको अब हम लोग सर्व करने की तैयारी करते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। मैं इसको अभी पतीले में निकाल रहा हूँ। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता होगा क्यों निकाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गरम गरम चीज़ में से धुआं निकलता है, स्टीम निकलती है, उस स्टीम के वजह से क्रिस्पी चीज़ें नरम हो जाती है दोस्तों। तो ये पतीले में क्या होगा, हम लोग इसको कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलाएंगे जिसके वजह से स्टीम जमा नहीं होगी और क्रिस्पी रहेगी अपनी फ्रेंच फ्राई। तो सर्विंग से पहले मैं इसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर छिड़क देता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ। मज़ा आया कि नहीं दोस्तों? हम लोग के घर में फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार है और ये ऐसी रेसिपी है जो आप 12 महीने या फिर कभी भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे वाले आलू, कम मांड वाले आलू ढूंढने में या फिर कम चीनी वाले आलू ढूंढने में, कोई भी आलू से आप ये बना पाओगे और रिज़ल्ट ऐसा है कि आप हमेशा इन्जॉय करोगे। बिल्कुल जैसे रेगुलर बनती है ना अनकोटेड, वैसे ही बनी है।
कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं अच्छी लगी ज़्यादा पका दिया तो डिसलाइक बटन, और आपके कमेंट्स भी शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस और बेटर कर पाऊँ।